Hello friends, I'm Dr. Harleen and I'm a healing trainer and angel therapist. तो आज बात करती हूँ मैं कैसे आप एंजल्स बन सकते हैं गॉड के. तो हम बोलते हैं ना कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और सब भगवान के ही लाइक उनके बनाए हुए पर्सन्स हैं. तो कैसे आप एंजल्स ऑफ गॉड बन सकते हैं, तो आई होप आप सब इस चीज़ को अपनाना चाहेंगे. लाइक दैट हम एंजल्स हैं, हम दूत हैं भगवान के, जिन्होंने धरती पे आपको भेजा है तो किसी पर्पस के लिए भेजा है. कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस रहा होगा, या उस वक्त कोई ऐसा आपके लिए कुछ काम होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है. तो क्या हम वो कर रहे हैं, क्या हमारा जो लाइफ पर्पस है वो पूरा हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं. तो कैसे आप एंजल्स ऑफ गॉड बन सकते हैं, कैसे आप अपनी एनर्जीज़ को हाई करेंगे, कैसे आप गुड वाइब्रेशंस में रहेंगे, कैसे आप वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपनी एनर्जीज़ में एंटर नहीं होने देंगे. देखिए, एंजल्स कैसे होते हैं, दे आर लाइट बींग्स. हाँ, अगर आप एंजल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो एंजल्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ. तो एंजल्स के विंग्स होते हैं, दे आर लाइट बींग्स, है ना, और वो सबकी हेल्प करते हैं विदाउट आस्किंग एनीथिंग बैक. एंजल्स कुछ वापस नहीं मांगते, ओके, वो हेल्प करते हैं. तो कैसे आप एंजल्स बन सकते हैं, कैसे आप दूत बन सकते हैं जो सबकी हेल्प करें, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो होगा बी लाइट द होल डे. पूरा दिन आपको बहुत लाइट रहना है. और लाइट कैसे रहेंगे, जब आप में टेंशन, स्ट्रेस, वरीज, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, हेडेक, प्रेशर, ये सब नहीं होगा तो आप लाइट फील करेंगे. ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपको लाइट रहना है तो यू नीड विंग्स, है ना. लाइट तभी होंगे ना जब हम ऊपर उड़ेंगे तो हमें लगता है कि वी आर लाइट. यू नीड विंग्स, तो आपके पास विंग्स होने चाहिए, क्योंकि एंजल्स हैव विंग्स. ओके, एंजल्स हैव विंग्स, तो आपको भी चाहिए. तो लाइट रहने के लिए क्या करना है, नेवर एवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ. हम हमेशा बात करते हैं दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करो, दूसरों के लिए बुराई नहीं करो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, बट अपने लिए क्या. सो नेवर क्रिटिसाइज़ योरसेल्फ, कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलो, अपने बारे में ऐसा नहीं बोलो जो लो वाइब्रेशंस वर्ड हैं, लाइक आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. क्योंकि अगर ये वर्ड्स आप बोलेंगे तो आप ऐसे ही बन जाएंगे. ओके, आप अभी तक यही बोल रहे थे कि आई एम इन टेंशन, आई एम इन स्ट्रेस, तो क्या वो स्ट्रेस नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, बोलने से तो और ज़्यादा आ रहा है. तो कैसे आपको अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है, नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने आसपास नहीं आने देना है. ओके, बिकॉज जो भी आप बोलोगे आप वही बन जाओगे. तो जब आप बोलोगे आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, तो आप वही बन जाओगे. तो आप अगर बोलोगे आई एम एंजल ऑफ गॉड, आई एम हेल्पिंग एवरीवन, आई डोंट नीड एनीथिंग, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, यू वॉन्ट टू हील अदर्स, यू वॉन्ट टू बी विद अदर्स, तो आप वैसा ही बन जाएंगे. ओके, तो इट्स वेरी वेरी ईजी. आपको सिर्फ डिसाइड करना है, प्रण लेना है कि येस आई वॉन्ट टू बी एंजल ऑफ गॉड. ओके, सबसे पहले आप छोटा सा एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग गॉड. आप पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करेंगे. ओके, बिकॉज उनके साथ कनेक्शन बनाना है ऑफकोर्स. एंड भगवान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए इट्स नॉट कि आप उनके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप रखिए. जब आप भगवान के साथ कनेक्शन बनाते, किसी के साथ भी हम कनेक्शन बनाते हैं, तो हम उसको उसकी डेजिग्नेशन के ऊपर नहीं बुलाते हैं ना. आप उनको मिस्टर दिस दिस, है ना, ऐसे नहीं बुलाएंगे. आप उनके साथ एक रिलेशन फॉर्म करेंगे. सो नेवर से दिस कि मतलब आप उनको सिर्फ एक भगवान, एक जनरल, एक वो नहीं रखेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे. यू कैन मेक देम अ फ्रेंड, फादर, एनीथिंग. हाँ, आप उनके साथ रिलेशन बनाइए, आप उनको एक नाम दीजिए. ओके,
तो रिलेशन जब आप बनाएंगे, एक रिलेशनशिप बनाने से आपका उनके साथ कनेक्शन बन जाएगा, उसको नाम दीजिए आप, ठीक है। और एक गिविंग सोल बनिए आप, जस्ट गिव गिव व्हाट एवर यू हैव यू गिव। इट्स नॉट अबाउट दान, इट्स नॉट अबाउट हैविंग मनी गिविंग, इट्स अबाउट गिविंग एनीथिंग, गिविंग लव, गिविंग योर सर्विसेज, गिविंग एनर्जीज, गिविंग गुड वाइब्रेशंस, ओके। तो ये सब चीज़ें आप जब देंगे तो आप, और ये आप अपने अंदर रखिए, लाइक आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ कामर पर्सन, आई एम अ गुड सोल, तो ये आप अपने लिए वाइब्रेशंस को रखिए, ओके। तो लाइक जो जो आपको चाहिए आप वो सोचिए, ओके। जो दिख रहा है आप वो मत बोलिए, जो आपको दिख रहा है कि ओके ये प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी लाइफ में, वो मत बोलिए, जो आप चाहते हैं वो बोलिए। तो जैसे ही आप वो बोलेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड बी अ डिवाइन बींग, आप एंजल्स ऑफ गॉड बनिए, एनर्जीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है। इट्स नॉट कि आप पूरा दिन बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, बट एक अंदर से एक आवाज़ आती है, यस आई एम विद गुड एनर्जी, आई एम विद डिवाइन एनर्जी, आई एम विद गॉड, जस्ट ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो।